ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन, जिसमें आप वैल्यूएशन सीखेंगे रॉ मटेरियल का और साथ ही साथ फिनिश्ड गुड्स का। ओके, सो वी विल बी मेजरिंग बोथ ऑन द बेसिस ऑफ एलसीएम रूल, विच इम्प्लाइज यू विल बी मेजरिंग देयर कॉस्ट प्राइस, यू विल बी मेजरिंग देयर एनआरवी, नेट रिप्लेसमेंट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये कैलकुलेट करेंगे और लीस्ट ऑफ द टू, इन दोनों के लीस्ट के बेसिस पर इन्वेंट्री मेजर होगी। एलसीएम रूल बेसिकली आप समझ चुके हैं लास्ट टू लास्ट वीडियोस में, और इसके अलावा हमने इसका एक क्वेश्चन भी किया था। सो टुडे इट्स अ बिट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इन्वॉल्विंग टू थिंग्स, सो लेट अस गेट टू द क्वेश्चन। नाउ वी नीड टू रीड द क्वेश्चन वेरी थॉरली। ABC Limited manufactures the product using raw material P2. Company purchased 8,000 kg of raw material at 15 rupees. So you paid 15 rupees to buy this. You also paid GST of 2 rupees for which you will avail tax credit. So in all you are paying 15 for the material and 2 for GST. But because आप GST का टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं, यू वॉन्ट टू अवेल टैक्स क्रेडिट, सो GST विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। सो कॉस्ट आप कितनी लेंगे, 15 रुपीज। देन यू पेड फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस टोटलिंग दिस मच, ये सब पे किया। अगेन यू परचेज दिस बाय टेकिंग बैंक ओवरड्राफ्ट ऑन विच यू पेड इंटरेस्ट, तो आपका इंटरेस्ट भी फाइनेंशियल चार्ज है, वो इन्वेंट्री कॉस्ट में नहीं आता, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एज पर AS2। ठीक है, ये नहीं आएगा, GST भी नहीं आएगा। नॉर्मल लॉसेज है 3% के, दैट मीन्स इफ यू आर बाइंग 8,000 किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटेरियल, तो इसका 3% हो गया 240। सो अगर 240 किलोग्राम तक का आपका लॉस होता है तो वो नॉर्मल है, बट उसके बियॉन्ड अगर लॉस होगा तो एबनॉर्मल लॉस होगा। जैसे यहाँ पर यू हैव रिसीव्ड 7500 किलोग्राम्स, सो आपका लॉस तो 240 किलोग्राम से कहीं ज़्यादा है, सो जितना एक्स्ट्रा है वो एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। नॉर्मल आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, अपने प्रोडक्ट के नेचर से, बिजनेस के नेचर से उसकी एक लिमिट रख लेते हैं कि इतना हमारा नॉर्मल लॉस होगा, उसके बियॉन्ड अगर लॉसेज होते हैं तो वो एबनॉर्मल है। सो हम क्वांटिटी साथ साथ मेजर कर सकते हैं। वी ऑल नो कि इन्वेंट्री होती है क्वांटिटी इनटू प्राइस। ठीक है, सो फॉर रॉ मटेरियल्स अब क्वांटिटीज हम कैसे लिखेंगे, वी हैव अ टोटल क्वांटिटी ऑर्डर्ड, ओके, दैट इज 8,000 किलोग्राम्स। ऑफ दिस यू रिसीव्ड रॉ मटेरियल्स रिसीव्ड 7500 किलोग्राम्स, दैट मीन्स लॉस ऑफ रॉ मटेरियल इज 500 किलोग्राम्स। इफ आउट ऑफ 8,000 आई हैव रिसीव्ड 7500, आई हैव अ लॉस ऑफ 500 किलोग्राम्स, बट अवर दिस लॉस कैन बी नॉर्मल और एबनॉर्मल। सो नॉर्मल लॉस की रेंज थी 3% की, 3% ऑफ टोटल क्वांटिटी है आपका 240 किलोग्राम्स, तो आप 240 तो इसका हो गया नॉर्मल लॉस। सो बाकी जो लॉस बचा, इफ आउट ऑफ 500 240 इज नॉर्मल लॉस, तो आपका 260 किलोग्राम्स का हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस। कैसे आया ये 260, 500 टोटल लॉस है जिसमें से 240 आपका नॉर्मल लॉस था। ठीक है, सो नॉर्मल लॉस जो है इसको स्प्रेड करते हैं, आपकी टोटल कॉस्ट बाकी बैलेंस पे स्प्रेड हो जाती है। सो आपकी टोटल कॉस्ट जो है 8,000 किलोग्राम की जो कॉस्ट है वो 8,000 माइनस 240 7760 पर स्प्रेड होगी। अब नॉर्मल लॉस अलग से काउंट होगा, क्वांटिटी रिसीव विल अगेन बी मेजर्ड सेपरेटली। अब इसमें क्या किया, आप इसको यूज करोगे रॉ मटेरियल, ऐसा तो है नहीं कि यू जस्ट कीप इट, यू यूज इट इन द प्रोडक्शन। सो वॉट यू आर डूइंग इज यू मैन्युफैक्चर्ड 1400 यूनिट्स, ईच यूनिट रिक्वायर्स 5 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल, सो यू मस्ट हैव यूज्ड हाउ मच, 1400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5 किलोग्राम्स। सो रॉ मटेरियल यूज्ड विल बी 1400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5 रुपीज, दैट इज 7,000। सो हाउ मच क्वांटिटी इज लेफ्ट, बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल विल बी आउट ऑफ 7500 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल रिसीव्ड, यू यूज्ड 7000 किलोग्राम, सो यू आर लेफ्ट विथ 500 किलोग्राम्स। सो दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल, दिस इज रॉ मटेरियल यूज्ड, दिस इज अब नॉर्मल लॉस, दिस इज नॉर्मल लॉस।
सो ये क्वांटिटीज मेजर हो गई। अब बात आती है प्राइजिंग की, सो प्राइजिंग हम अलग से करेंगे। ओके नेक्स्ट क्या है, अदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं टोटल 10,000 यूनिट्स पे, ठीक है। देन यू हैव सोल्ड 1200 यूनिट्स एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 185। सो क्वांटिटी जब हम फिनिश्ड गुड्स की लेंगे तो क्या है, सो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यू हैव प्रोड्यूस्ड हाउ मेनी यूनिट्स, 1400 यूनिट्स। यू हैव सोल्ड 1200 यूनिट्स, सो योर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज 200 यूनिट्स। सो क्वांटिटी इज मेजर्ड बट नाउ प्राइसिंग हैज टू बी डिटरमिंड। सो दे आर सेइंग कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स अज्यूमिंग फिनिश्ड गुड्स कैन बी सोल्ड एट 140 सब्जेक्ट टू अ सेलिंग कमीशन ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 18। सो देखो रॉ मटेरियल के लिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गई 18 और फिनिश्ड गुड्स के लिए क्या हो जाएगी एनआरवी, नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू 140 माइनस इसका 10% कमीशन। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में है 180 माइनस 10%, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 180 माइनस इसका 10% मतलब 18 रुपीज करें तो 162 रुपीज हो जाएगी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यहाँ पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 140 माइनस इसका 10%, सो 126, ठीक है ना। और रॉ मटेरियल्स की वैल्यू भी दे रखी है, सो वी आर टू मेजर द वैल्यूज। बट एनआरवी अप्लाई करने के लिए जो एनआरवी है वो तो सॉल्व हो गया, लेकिन एलसीएम रूल में तो कॉस्ट भी कंसिडर होती है। सो हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, अब हम कॉस्टिंग पे आ जाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। सो इनकी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो रॉ मटेरियल के लिए हमारे पास क्या है, परचेज प्राइस है, यू परचेज 8,000 किलोग्राम्स एट 15 रुपीज, सो 1,25,000। यू पेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ 11,920। इसके अलावा जीएसटी है वो नहीं आएगा, यू हैव इंटरेस्ट अगेन दैट इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, वो तो फाइनेंशियल चार्ज होते हैं ना, तो वो भी नहीं आएगा। सो ये हो गई टोटल कॉस्ट। अब ये टोटल कॉस्ट कितने यूनिट्स की मानेंगे, दिस विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ 8,000 किलोग्राम माइनस नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस हमें हटा देना है क्योंकि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को सब पे इवनली स्प्रेड कर देते हैं, तो ये 7,760 किलोग्राम्स की प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। सो कॉस्ट पर किलोग्राम कितनी आ जाएगी, 1,31,920 अपॉन 7,760, ये आ गया 17 रुपीज पर किलोग्राम। ये कॉस्ट हो गई रॉ मटेरियल की। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सो फिनिश्ड गुड्स में क्या है हमारे पास, यू आर यूजिंग मटेरियल्स, तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, मटेरियल मतलब यही रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हैं फिनिश्ड गुड्स में, तो मटेरियल की कॉस्ट थी 17 रुपीज पर केजी। तो कितना मटेरियल लग रहा है, आप जब प्रोडक्शन करते हैं यू यूज 5 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल, सो 5 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 1785। यू हैव लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट है 35। यू हैव डायरेक्ट ओवरहेड्स 15,400, बट ये तो टोटल है ना, तो टोटल प्रोडक्शन थी 1400 यूनिट्स की। हम यहाँ पर यूनिट में कैलकुलेशन लिख रहे हैं, इजी रहती है ना, उसके बाद यूनिट से मल्टीप्लाई करना है इजीली। सो ये हो गया 11 है ना, देन यू हैव फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, यू हैव 40,000 रुपीज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑन द कैपेसिटी ऑफ 10,000 यूनिट्स। सो 40,000 रुपीज फॉर 10,000 यूनिट्स, तो आ गया 4 रुपीज। सो फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट पर यूनिट विल बी 135 रुपीज पर यूनिट। अब आ जाते हैं हम कैलकुलेशंस, तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स। सो अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। फर्स्ट केस, पहले एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर लें,
तो एबनॉर्मल लॉस कितना था? एबनॉर्मल लॉस था 260 किलोग्राम्स का. सो 260 किलोग्राम, किलोग्राम रॉ मटेरियल की वैल्यू कितनी है? 17 रुपीज़. सो आपका रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 260 इंटू 17 ये आ गई 4420. ठीक है. इसके अलावा सेकेंड चीज़ इसमें क्या कैलकुलेट करनी थी हमें? वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? रॉ मटेरियल लेफ्ट है आपका 500 केजी. सो इट विल बी मेजर्ड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लीस्ट. सो इट इज लीस्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस इज 17 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 18 रुपीज रॉ मटेरियल के लिए. सो लीस्ट ऑफ 17 और 18 कितना हो जाएगा? 500 इंटू 17. सो वैल्यू आ गई 8500. ठीक है ना, इसमें इजीली कैलकुलेट हो गया. तीसरा पार्ट जो हमें सॉल्व करना है वो है वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स. सो यहाँ पर हमें कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों चाहिए. तो यहाँ कॉस्ट प्राइस हमने मेजर की हुई है 135. नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी हमारी होगी? फर्स्ट केस में 140 रुपीस का आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है. देखो ये दे रखा है ना, एनआरवी माइनस कमीशन ऑफ 10%. तो वो सॉल्व करोगे 14 रुपीस. सो 140 माइनस 14 कितना आ जाएगा? 126. ठीक है. सो वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स विल बी 200 यूनिट्स, क्योंकि तुम्हारे फिनिश्ड गुड्स कितने बच रहे हैं? 200 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ लीस्ट ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस. सो लीस्ट ऑफ द टू इज 126. ठीक है ना, तो ये आपका स्टॉक मेजर हो जाएगा 126 रुपीस पर यूनिट पे. सो 25,200 विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स. राइट, ये हो गया फर्स्ट केस. सो थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस इसके लिए नहीं है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग. तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो. अब सेकंड पार्ट में हमें अलग अलग प्राइजेस दे रखे हैं. सेलिंग प्राइस अलग है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अलग है, बट जो एबनॉर्मल लॉस है इट वॉन्ट बी अफेक्टिंग दिस. क्यों? एबनॉर्मल लॉस तो कॉस्ट पे ही लेना है ना. आपका एलसीएम रूल किसके लिए है? इट इज़ फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. सो आपके एबनॉर्मल लॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज है. सेकेंड है वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल. विच इज 500 किलोग्राम्स एट लीस्ट ऑफ, नाउ कॉस्ट प्राइस इज 17 एंड मार्केट प्राइस सेकेंड केस में कितना है? 15. सो लीस्ट ऑफ 17 और 15 कितना हो गया? 15 रुपीज. सो वैल्यू आ गई 7500. ठीक है ना. नेक्स्ट है हमारा फिनिश्ड गुड्स. सो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ, सो यहाँ कॉस्ट प्राइस वी हैव मेजर्ड 135, बट इस केस में नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? यू आर एबल टू सेल इट एट 180 लेस इट्स 10%. ये 10 मत ले लेना, इसका 10% मतलब 18 रुपीज. सो 162. सो लीस्ट ऑफ द टू हो गया 135. सो फिनिश्ड गुड्स विल बी प्राइस्ड एट 135 रुपीज ईच. सो 27,000. ठीक है ना. सो आपके इन्वेंट्री की वैल्यू हो जाएगी 27,000. सो दिस इज हाउ वी विल बी मेजरिंग इन्वेंट्रीज एज पर LCM रूल, चाहे वो आपका रॉ मटेरियल हो या आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हो. सो यू कैन से दैट योर एबनॉर्मल लॉस इज दिस मच, योर इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल. सो इन द डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज इन्वेंट्रीज आर बींग मेजर्ड एट डिफरेंट प्राइजेस. सो डिफरेंट वैल्यूज विल गिव यू डिफरेंट रिजल्ट. ये तुम्हारी कॉस्टिंग है, कॉस्ट कैलकुलेट की हुई है. This is how we have measured the closing stock of raw material and closing stock of finished products. So I hope this is clear to you. Now a similar question example is being given and I have given you solutions also. So you can solve this question and you can check your answer. If you are able to get the same answer, it means you have understood the method. Otherwise, just revise the video again and then you can
check whether you have understood this or not. So that is it for the day. Stay learning, stay practicing. Thank you.